राधे राधे भक्तों, आज हम सुन रहे हैं कार्तिक महात्म अध्याय 24। तैत्तेय गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बोने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान के आने का कारण बतलाते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में कुछ भी मत देना, वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान नहीं देना अधर्म आचरण नहीं तो और क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं मेरे याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही तो करता हूँ। अतः वट्टुक रूप में वो जो कुछ मांगेंगे मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ आदि देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी, घोड़े आदि मांग लेते। यह सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, मुझे तो तप के लिए सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले ईमानदाता जैसे राजा आज कहाँ हैं? अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। चंचल लक्ष्मी को यज्ञ और दान आदि में लगाकर तुम्हारी तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे लोग धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम कोई दान हुआ ही नहीं और ना ही कोई आगे होगा। अतः हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि ही दे दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए आगे कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नामक 6 स्त्रियाँ तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए तब वह ब्राह्मण सकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पग भूमि उसे दान में दे दी। इसे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर भी मैं मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूँ। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को जान गए, अतएव उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी। इससे शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई और टोटी से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प दे ही दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सत ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से ही विख्यात हो गया। इस प्रकार से पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है, जिसके स्नान तथा
स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, हे जगत संचालक, हे परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल में भेज दिया। उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि व अन्य देवताओं को पताल दे दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। इति कार्तिक महात्म अध्याय 24 समाप्तम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।